नमस्कार, मैं हूं अनिल और आप देख रहे हैं एमएमसी न्यूज। जनपद गाजीपुर में रामलीला मंचन की परंपरा पिछले 450 साल से भी पुरानी है। यहां मंचन होने वाली रामलीला की सबसे खास बात यह है कि यहां चलायमान रामलीला की परंपरा है। अति प्राचीन रामलीला कमेटी द्वारा रामलीला का मंचन कराया जाता है। रामलीला की शुरुआत हरिशंकरी से धनुष और मुकुट पूजन के साथ होती है और पहाड़ खान पोखरा सकलेनाबाद लंका मैदान से मंचन होते हुए पुनः हरिशंकरी में ही रामलीला का समापन होता है। लंका के रामलीला मैदान में कई दिनों तक रामलीला चलती है और वहां रावण दहन होता है जिसमें लाखों की भीड़ एकत्रित होती है। इस बार की रामलीला का मंचन 19 दिनों तक चला। वहीं शनिवार को राम के राज्याभिषेक के साथ रामलीला का समापन हुआ जिसमें एमएलसी विशाल सिंह चंचल मुख्य अतिथि रहे। साथ ही सीआरओ एसडीएम सदर सीओ सिटी के साथ बड़ी संख्या में जनता भी राज्याभिषेक देखने पहुंची थी। 19 दिन चलने वाली रामलीला के आज अंतिम कड़ी में प्रभु श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक होता है। इसमें तमाम जितने लोग शिरकत किए हुए रहते हैं, पुलिस के लोग, नगरपालिका परिषद के लोग, मीडिया के लोग, आम जनता, इनको सब लोग हम लोग सम्मानित करने का भी काम करते हैं। इनको मेमेंटो, प्रशस्ति पत्र ये तमाम लोग देते हैं, इसलिए कि इनके बिना ये रामलीला, इतना विशाल रामलीला का मंचन करना मुख्य ग्रंथ है। मैं कहती हूँ पढ़ने के साथ साथ इसे अपने जीवन में उतारना भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। अगर हम इसे अपने जीवन में उतार लें तो शायद हर बुराई से, हर बुरी, हर कुसंगति से सबसे हम बच जाएं। इसलिए राम को सिर्फ नाम ही नहीं, उसको अपने जीवन में उतारना भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज हर भाई अपने बड़े भाई को एक राम के रूप में देखना चाहता है। क्या वो छोटा भाई लक्ष्मण और भरत की भूमिका अदा कर पाता है? यहाँ उपस्थित मैं सभी नागरिकों से यह कहना चाहूंगी कि अपने जीवन में राम के आदर्शों को अपनाकर अपने जीवन को सफल और खुशी बनाए। जय हिंद, जय भारत। राज्याभिषेक के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एमएलसी विशाल सिंह चंचल ने राम मंदिर पर बोलते हुए मुलायम सिंह यादव पर तंज कसा और हिंदू समाज के लोगों से क्या कहा, आइए सुनते हैं। तो हमारे बड़े बुजुर्गों ने धारण किया, अपने धर्म के लिए लड़े, तो आज हिंदू धर्म जिंदा है। मुझे गर्व है कि मैं हिंदू हूँ और मैं सभी यहाँ उपस्थित माताएं, बहने, बुजुर्ग यहाँ मौजूद है, मैं सभी को दिल से धन्यवाद देता हूँ कि 8 बज गया 9 बज गया कोई करवा चौथ हमारी बहन माँ होगी कोई व्रत किया होगा, लेकिन यहाँ उपस्थित हैं। आपकी यही निष्ठा इस धर्म को बचाए हुए है। इतनी भारी संख्या में आप यहाँ उपस्थित हैं, मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ और मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ कि अब वो दूर दिन दूर नहीं, मंदिर हम बनाएंगे और जल्द बनाएंगे। और ये आत्मबल इस प्रदेश का मुख्यमंत्री पूज्य श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं और कोई ना कोई भारतीय जनता पार्टी रास्ता निकालेगी, चाहे संसद में कानून बना के निकाले, चाहे जिस तरह से निकाले, लेकिन मंदिर हम बनाएंगे। और मंदिर विरोधियों से मेरी केवल इतना ही कहना है कि जिन्होंने राम भक्तों पर गोली चलाई, आज देखिए मुलायम सिंह की क्या हालत है। उसी पार्टी में पार्टी से बाहर है, बेटा घर में नहीं रखता, कभी भाई के साथ कभी बेटे के साथ, तो कभी भी मर्यादा पुरुषोत्तम के भक्तों को कष्ट न देना, क्योंकि कभी न कभी वो कष्ट आपको भोगना पड़ेगा और जिंदा रहते भोगना होगा। मरने के बाद कौन क्या भोगा है तो ऊपर वाला जानता होगा। हम आप जब ऊपर जाएंगे तो शायद देखेंगे किसके साथ क्या भगवान ने न्याय किया। दोस्तों